कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। गोरखपुर में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिला। गोरखपुर में पीएम और सीएम की अपील पर लोग अपने अपने घरों में हैं और जरूरत पड़ने पर घर से निकल रहे हैं। वहीं कुछ लोग अनावश्यक भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस उनको डांट कर भगा रही है और हर चौराहे पर पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं हमारे संवाददाता सतीश शुक्ल ने गोरखपुर के कई क्षेत्रों का जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। खड़े हैं इस समय एयरफोर्स चौकी पर। यहाँ से एयरफोर्स का एरिया शुरू होता है जहाँ एयरपोर्ट है आगे, और यहाँ घुसने, यहाँ बैरिकेडिंग आगे लगा दी गई है जिससे यहाँ से घुसने वालों का, यहाँ से आने और जाने वालों का चेकिंग किया जा रहा है। सर भी साथ में है, वो चेक कर रहे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को चेक किया जा रहा है और यहाँ खड़े होकर लोगों का चेक करके उसके बाद ही जाने का इजाज़त दिया जा रहा है, शहर के अंदर भी और एयरपोर्ट के अंदर भी। कहीं ना कहीं कोरोना ही सबका भय का कारण बन गया है। हम सर से जानना चाहेंगे, सर अभी तक कितने लोगों का आपने किया है? अभी तक 9 पैसेंजर का हो चुका है। सर ये कब से कर रहे हैं आप लोग? ये ड्यूटी हमारी सेकंड शिफ्ट की है, 2 से 10 बजे तक। अब आप देख सकते हैं जो भी आता है उनकी चेकिंग हो रही है और हर जगह चेक होके ही अंदर जाने का इजाज़त दिया जा रहा है। ये एयरफोर्स चौकी है और यहाँ पे हम खड़े हैं आज, और डॉक्टर खुद यहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद ही अंदर जाने का, इनको शहर के अंदर जाने का किसी को भी इजाज़त है। सतीश शुक्ला, गोरखपुर। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 2 से 3 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और अगर लोग नहीं माने तो देशद्रोह तक का मुकदमा लगाया जा सकता है। एफआईआर में हो चुके हैं तमाम अफवाहें। मान लीजिए यहाँ तो कोई मृत्यु हो जाता तो तुरंत उसका उसे कोरोना वायरस से टाइप कर दे रहे हैं, उसी के फोटो को टाइप कर दे रहे हैं। इन लोगों का मैं चेतावनी दे रहा हूँ, 2-3 लोग का एफआईआर करवा चुके हैं और भी करने वाले, बहुत खड़ी सजा होगा उन लोग का। एंड ये देशद्रोह है, कम नहीं है। हम एनएसए तक लगाएंगे और उनका देशद्रोह के धारा में भी ठोकेंगे। इस समय में मजाक की बात नहीं है, सारे देश एकजुट होकर के ये महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग उतरे हुए हैं। ये मजाक की बात नहीं है, कृपया करके अफवाह कतई नहीं फैलाएं। ये थी गोरखपुर से हमारे संवाददाता सतीश शुक्ल की रिपोर्ट। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।